पांचवी जो मिस्टेक हम करते हैं, जो गलती हम करते हैं, कि हम सोचते हैं कि हमारी प्रोडक्ट या सर्विस अपने आप बिकेगी बिकेगी। बस एक शोरूम हम शुरू करते हैं या कोई चीज बनाने की फैक्ट्री हम बना डालते हैं, प्रोडक्शन चालू कर देते हैं, शोरूम चालू कर देते हैं, बहुत अच्छा फर्नीचर लगा देते हैं, बहुत अच्छा स्टाफ लगा देते हैं और अलग अलग टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशन, बिल्डिंग का, बारकोडिंग का, ये सब लगा देते हैं और फिर वेट करते हैं कि अभी कस्टमर आएगा। कस्टमर को भेजेगा कौन? भगवान भेजेंगे कस्टमर को, राइट? हमने इतनी अच्छी शोरूम की है, लोगों को पता भी तो चलना चाहिए ना कि ये शोरूम शुरू हुआ है, इसके अंदर इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं, इसका कलेक्शन ऐसा है, इसका एम्बियंस ऐसा है, इसमें इस टाइप का ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, ऐसी सुविधाएं हैं। ये जब तक लोगों को पता नहीं चलता, लोग कैसे आएंगे? आएंगे कुछ आजू बाजू से पसार होते होंगे, शायद वो लोग आएंगे, लेकिन काफी और लोगों को पता चले ये जरूरी है। इसलिए ये सोचना, ओवर कॉन्फिडेंस में रहना, एक अति विश्वास में रहना कि मेरी प्रोडक्ट बिकेगी, मेरा शोरूम शुरू हुआ, दरवाजे मतलब जैसे ही मैंने खोले तो बहुत सारे लोग उसमें लाइन लगा के आएंगे, ये सोचना जरा ओवर कॉन्फिडेंस है, वो उनको नहीं करना चाहिए, गलती हो जाएगी। क्योंकि हर एक प्रोडक्ट को, हर एक सर्विस को मार्केटिंग की जरूरत होती है। अगर उसका स्कोप, उसका व्याप हमें बढ़ाना है, उसकी सेल हमें इंक्रीज करनी है, तो डेफिनेटली मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। और कंटिन्यूअसली कस्टमर के ऊपर उसको फोकस देके, उसको अच्छी सर्विस देके, उसके ऊपर ध्यान रख के हमें मार्केटिंग कंटिन्यू रखनी बहुत जरूरी है। ग्राहक को अच्छी सर्विस और उसको ध्यान देते रहना भी इतना ही जरूरी है, राइट? सो प्रोडक्ट अपने आप बिकेगी, ये मान्यता, ये मानना एक पांचवी मिस्टेक है जो हमें नहीं करनी चाहिए।